साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गणित की पेडागॉजी अर्थात गणित का शिक्षा शास्त्र इस प्रकरण के अंतर्गत हम चैप्टर 5 मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना इस प्रकरण के अंतर्गत साथियों मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं हम कि मूल्यांकन की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे कि एक मूल्यांकन अच्छा मूल्यांकन कहला सकता है या मूल्यांकन की श्रेष्ठता अव्यक्त होती है। सबसे पहला आता है वस्तुनिष्ठता, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिविटी। साथियों वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम ऐसे मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में रखते हैं जो विषय वस्तु की बातों को सम्मिलित करता हो और प्रत्येक स्थिति में दिए गए प्रश्न का उत्तर वही हो जो प्रश्न को संतुष्ट करे। साथियों वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन वह मूल्यांकन कहलाता है जो कि विषय वस्तु है या जो प्रकरण है अर्थात जो गणित विषय है और जिस भी प्रकरण का हम मूल्यांकन लेना चाहते हैं उससे संबंधित समस्त बातों को लगभग वह उसमें सम्मिलित करता हो, अलग से कोई दूसरी बातें उसमें ना पूछी गई हो। और साथ ही इसमें एक बात यह भी है कि प्रत्येक स्थिति में चाहे मूल्यांकन कभी लिया जाए या किसी के द्वारा लिया जाए हर स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर वही होना चाहिए जो कि उस प्रश्न को संतुष्ट करे या वास्तविक रूप से उस प्रश्न का उत्तर वही हो। आगे है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में जांच कोई भी करे विद्यार्थी को हर बार उतने ही प्राप्त अंक मिलने चाहिए जितने कि उसे मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मूल्यांकन करे तो विद्यार्थी को उतने ही अंक मिलना चाहिए जितने कि उसको हर बार मिलते हैं। यह यूं कहे कि हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। साथियों ये थी मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। अब हम देखते हैं दूसरी जो विशेषता है वह है विश्वसनीयता, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो उसे कहेंगे रिलायबिलिटी। तो साथियों रिलायबिलिटी क्या है कि एक परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है जबकि उसके बार बार मूल्यांकन करने पर कोई अंतर ना आता हो। साथियों विश्वसनीय मूल्यांकन वो है जब भी उसका यदि हम मूल्यांकन बार बार करें तो बार बार मूल्यांकन करने पर भी मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आता है उसे हम विश्वसनीय मूल्यांकन कह सकते हैं। ऐसी परीक्षाएं किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा आयोजित की जाए मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात मूल्यांकन विश्वसनीय तब कहलाएगा जब उस मूल्यांकन को किसी भी व्यक्ति के द्वारा ली जाए और किसी भी समय अगर आयोजित कर ले विद्यार्थियों का तो उसमें कोई फर्क या कोई अंतर ना पड़े तो ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन कहलाता है। और साथ ही रिजलैंड नामक विद्वान ने विश्वसनीयता के संदर्भ में अपनी अपना मत रखते हुए कहा है कि विश्वसनीयता उस विश्वास को प्रकट करती है जो एक परीक्षण द्वारा स्थापित की जाती है। अर्थात विश्वसनीयता वह चीज है या वह बात है जो कि एक परीक्षा के द्वारा जब उसको लेते हैं तो वह उसको स्थापित करती है, अर्थात उसमें एक विश्वास पैदा होता है तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं, ये स्विट्जरलैंड ने कहा है। और साथियों तीसरी जो विशेषता आती है वह आती है वैधता, जिसको हम अंग्रेजी में वैलिडिटी कहते हैं। तो साथियों इसको हम देखें कि वैलिडिटी क्या है। किसी मूल्यांकन की वैधता का अर्थ है कि वह कितनी शुद्धता के साथ किसी छात्र की योग्यता का परीक्षण करती है। वैलिडिटी या वह मूल्यांकन वैलिड होगा कि हम ये देखते हैं कि किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन वह कितनी शुद्धता के साथ में और कितने अच्छे ढंग से कर पाता है तब ही उसको हम वैलिड मूल्यांकन कह सकते हैं या वैध मूल्यांकन कह सकते हैं। कोई मूल्यांकन तभी वैध माना जा सकता है जब विश्वसनीय हो। साथियों यदि विश्वसनीयता का गुण जिस मूल्यांकन में नहीं है तो वह मूल्यांकन वैलिड या वैध मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ग्रीन नामक विद्वान ने इस संदर्भ में कहा है कि वैधता उस मात्रा की अभिव्यक्ति का नाम है जहां तक एक परीक्षा उन गुणों योग्यताओं कौशलों और सूचनाओं को मापती है जिन्हें मापने के लिए वांछित होती है, अर्थात ऐसे गुण जिनको मापने के लिए मूल्यांकन किया जाता है जो कि उसके लिए वांछित है, ऐसे गुण या उसकी योग्यताएं या कौशलों
और सूचनाओं को वह मापन करती है। वर्गता इन सब बातों के लिए ही क्या है, एक सूचकांक का काम करती है, या हम उसे ही वैध मूल्यांकन कह सकते हैं, जो कि मतलब किसी परीक्षा में जो व्यक्ति के या बालकों के गुणों, योग्यताओं और कौशलों, उसकी सूचनाओं का अच्छी तरह से मापन करती हो या आकलन करती हो। चौथा बिंदु साथियों, विभेदीकरण। साथियों, विभेदीकरण को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, देखिए, विभेदीकरण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा मेधावी सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी हद तक अंतर किया जा सके। साथियों, जैसा कि यहाँ दिया गया है विविधीकरण के संदर्भ में, कि विविधीकरण का गुण वह गुण है जो कि मेधावी छात्र यानी जो छात्र होशियार हैं, सामान्य छात्र और जो पिछड़े छात्र हैं उनके बीच में वह अंतर कर सके, अर्थात उस मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट अंतर आ जाए कि ये छात्र अलग अलग स्तर के हैं। तो ऐसे मूल्यांकन को हम विभेदीकरण का उसमें गुण मान सकते हैं। आगे देखेंगे, इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम अंक एवं न्यूनतम अंक पाने वाले छात्रों को अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का क्या योगदान रहा है। साथियों, इस जो मूल्यांकन का जो खास जो गुण है वो यह भी गुण है कि जिन प्रश्नों के द्वारा मेधावी छात्र, सामान्य छात्र और पिछड़े छात्रों के बीच जो अंतर हुआ है, वह अंतर किस प्रश्नों के कारण हुआ है या उन प्रश्नों का क्या योगदान है, यही बात हम देखते हैं। परीक्षण मदों की विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस समय हम प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इन छात्रों में विभेद करने या अंतर करने में उसका कितना योगदान है उस प्रश्न का, और उसका जो छात्र हैं वह किस तरह से विभेदित हुए हैं, यह बात भी हम उसमें देखते हैं। आगे है, इससे प्रत्येक प्रश्न की कठिनाई का स्तर का पता चल जाता है, यानी हम इससे जान पाते साथियों कि जो प्रश्न है उसका कठिनाई स्तर क्या रहा है। इसके अलावा परीक्षा प्रत्येक छात्र की आयु, रुचि, बुद्धि लब्धि एवं अनुभव के अनुरूप हो, ताकि सभी प्रकार के सभी स्तर के छात्रों का परीक्षण किया जा सके। साथियों, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक की आयु, उसकी रुचि, उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसका जो मानसिक स्तर है वो, एवं उसके अनुभव के आधार पर ऐसा मूल्यांकन हो ताकि सभी स्तर के छात्रों का परीक्षण आसानी से किया जा सके। तो ये था विभेदीकरण। अब हम बात करते साथियों, पांचवा जो बिंदु है वह है उपयोगिता। उपयोगिता को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता किसी मूल्यांकन का वह गुण है जिसमें बालक के जीवनोपयोगी विशेष तौर से व्यवहारिक प्रश्नों का समावेश किया जाता है। साथियों, यूटिलिटी का क्या आशय है, यूटिलिटी का आशय यह है कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें बालक के जीवन उपयोगी प्रश्नों का समावेश हो और खासकर व्यवहारिक दैनिक जीवन में काम आने वाले ऐसे प्रश्नों का समावेश विशेष तौर से किया जाना चाहिए जिनका कि जीवन में उपयोग होता हो। मूल्यांकन में सभी स्तर के प्रश्न होते हैं और इसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रयोग किया जाता है। साथियों, उपयोगी एक मूल्यांकन उपयोगी तभी होगा जिसमें वस्तुनिष्ठता भी हो, अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, वैधता वैलिडिटी और विश्वसनीयता रिलायबिलिटी ये भी उसमें होना चाहिए, तभी वह मूल्यांकन उपयोगी कहला सकता है। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो बिंदु है वह है छठवां, व्यापकता। इसको अंग्रेजी में हम कॉम्प्रेहेंसिवनेस कह सकते हैं। व्यापकता के अंतर्गत परीक्षण का वह प्रारूप जिसके द्वारा परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसको निर्मित किया गया है। साथियों, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, ऐसा मूल्यांकन हम व्यापक मूल्यांकन कहला सकता है जिन गुणों को या जिन क्षमताओं को मापने के लिए हमने उसको निर्मित किए हैं उन सभी समस्त क्षमताओं को वह मापने में समर्थ होनी चाहिए। परीक्षण की व्यापकता के बारे में निर्णय करना एक निर्माता की सूझबूझ एवं उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। साथियों, मूल्यांकन का निर्माण जो है वो एक निर्माता या निर्माण करने वाले की उसकी सूझबूझ या उसकी समझ और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से एक मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन बना सकता है। एक परीक्षा तभी व्यापक कहलाएगी जिसमें विषय के सभी अंशों एवं उप अंशों के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों,
एक मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन तभी कहला सकता है या हम उसको व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं जिसमें कि समस्त जो अंश हैं, मतलब कहना चाहिए जो पढ़ाए गए हैं बच्चे को, या जो हम उनके अंदर बातों के अंदर जिन दक्षताओं को का हम समावेश देखना चाहते हैं उसके समस्त अंशों और उनके उप अंशों से प्रश्न पूछे जाएं, तभी वह कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। अगला बिंदु साथियों, व्यवहारिकता, जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकेबिलिटी कहा जाता है। तो साथियों, व्यवहारिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकेबिलिटी एक मूल्यांकन की विशेषता कब हो सकती है? जब एक मूल्यांकन तभी व्यवहारिक होगा या प्रैक्टिकल होगा जब उसके संचालन में सरलता हो, उसकी भाषा सरल और बोधगम हो। साथियों, एक मूल्यांकन व्यवहारिक या प्रैक्टिकल कब हो सकता है? जब उसका जो संचालन है, यानी जब हम मूल्यांकन कर रहे हो उस समय एकदम सरलता महसूस हो और उसकी भाषा भी सरल हो और एकदम बोधगम हो, तो ऐसा मूल्यांकन व्यवहारिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला जो गुण है मूल्यांकन का वह है सहजता, इसको अंग्रेजी में यूजेबिलिटी कहा जाता है। साथियों, एक मूल्यांकन की यूजेबिलिटी कब हो सकती है? जब परीक्षण निर्माण करने में कठिनाई ना हो, अर्थात जिस भी समय किसी भी शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन का निर्माण किया जाए तो उसके निर्माण में कठिनाई ना हो, छात्रों को भी उत्तर देने में सहजता हो, अर्थात बड़े सहज ढंग से छात्र उत्तर दे सके, और अंकन करने की प्रक्रिया में अर्थात अंक देने की जो प्रक्रिया है उसमें भी किसी प्रकार की जटिलता ना हो, वह मूल्यांकन सहजता के गुणों को अव्यक्त करता है। तो ये था साथियों सहजता का गुण। इन समस्त जो मैंने अभी तक ऊपर आपको ये 8 गुणों के बारे में बताया है, इसके अलावा भी अन्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम दृष्टिपात कर लेते। साथियों, 9वीं जो विशेषता है वह है मानकीकरण। तो मानकीकरण अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इसके बारे में देख ले साथियों। मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन भी एक परीक्षा का एक अनिवार्य गुण है या लक्षण हम कह सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनका उत्तर सभी छात्रों एवं परीक्षकों के लिए समान हो, अर्थात प्रत्येक छात्र है या प्रत्येक जो परीक्षक है जो परीक्षा ले रहा है उस सभी के लिए वह प्रश्न समान होना चाहिए, अर्थात पूछे गए प्रश्न के उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए और छात्र तथा परीक्षकों का प्रश्न पर समान दृष्टिकोण होना चाहिए, अर्थात सभी एक ही तरह सोच सके, उसमें मतलब उनकी सोच में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन को हम मानकीकृत मूल्यांकन या स्टैंडर्ड मूल्यांकन कह सकते हैं। अगला साथियों विशुद्धता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूरेसी। तो विशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है? देखिए साथियों, इस गुण के अंतर्गत प्रश्न शुद्ध होने चाहिए, अर्थात एकदम शुद्ध हो, जिससे छात्रों में प्रश्नों को पढ़कर उसके पूछे जाने के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोणों को सही ढंग से समझ सके। और एक बात और है कि प्रश्न का जो है जो छात्र लोग हैं वह सटीक उत्तर दे सके। प्रश्नों में जो वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी जो है या व्याकरण दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे छात्र प्रश्नों को पढ़कर भ्रमित या असमंजस की स्थिति में ना हो और उनका सही उत्तर या जो वास्तविक उत्तर है यथेष्ट उत्तर है वह दे सके। तो साथियों, ये था एक्यूरेसी या विशुद्धता। अब हम अगली विशेषता पर, सुस्पष्टता को अंग्रेजी में कहा जाता है अनएम्बिग्यूटी। तो साथियों, अनएम्बिग्यूटी क्या है हम देख लें कि परीक्षण में प्रश्नों के निहितार्थ स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा उसके पूछे जाने का उद्देश्य समझा जा सके, अर्थात प्रश्नों को पूछे जाने का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। ऐसा ना हो कि प्रश्नों के दो अलग अलग अर्थ हों या अलग अलग उत्तर हों, परिणाम स्वरूप छात्र किसी एक अर्थ को समझकर उत्तर दे और परीक्षक दूसरे अर्थ को उसका मूल्यांकन करे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में छात्र का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, अर्थात मूल्यांकन है उसमें सुस्पष्टता होनी चाहिए, उसमें मतलब कहना चाहिए किसी प्रकार से भी एक भ्रम की स्थिति ना हो और बालक स्पष्टतः जो मूल्यांकन है वो दे सके और उसकी जो जांच है शिक्षक द्वारा वो भी स्पष्ट तौर पे हो सके। 12वां जो बिंदु साथियों वह है भविष्य में अनुमान लगाए जाने योग्य, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है साथियों, इसको भी देख लें हम। देखिए, परीक्षण में प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे छात्रों का उत्तर पढ़कर उसकी रुचि, उसकी दक्षता, उसकी समझ आदि का मूल्यांकन हम कर सके और जिससे उसके भविष्य के बारे में सोचना आसान हो जाए
और उसके आगे की जो पढ़ाई है या उसका जो व्यवसाय है उसके बारे में वो सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके। तो साथियों मूल्यांकन के ये मैंने आपको 12 गुण बताए हैं। साथियों मुझे आशा है कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपकी किसी भी परीक्षा के लिए अर्थात शिक्षक चयन परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल RF कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, साथियों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मैं पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।